16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस के उपलक्ष्य पर आइए कुछ जरूरी जानकारियां जानते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील दुबे जी। देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ओजोन परत का महत्व क्या है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली विकिरणों में जो पराबैंगनी विकिरण है, जो बहुत उच्च ऊर्जा वाली विकिरणें होती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, उनको या तो अधिकांश को वो वायुमंडल में वे अवशोषित हो जाती हैं और इस तरह से या बहुत कम मात्रा में वो फिर बची खुची पृथ्वी पर पहुंचती हैं। जो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में अल्ट्रावायलेट बी जो 280 से 315 नैनोमीटर की है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक रेडिएशंस हैं जो जो जैव मंडल है, विशेष रूप से जीव जंतु पेड़ पौधे, इनकी बायोलॉजी पर, इनके जीवन पर, इनकी शरीर पर, इनके जीवन चक्र पर बहुत घातक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि पहला जो ओजोन परत कम होने का प्रभाव है वो ये कि अगर ओजोन परत पतली होगी तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण है, ज्यादा से ज्यादा धरती पर आएंगी। और ये आपको आजकल दिख रहा है कि जहां पर ओजोन परत क्षरण फिर भी अभी भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, आप देखिए कि सर्दी में भी जब सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर, हाथ पैर पर पड़ती है तो हमें बड़ी ऐसा लगता है कोई अंगारा हमारे हाथ पैर पर चिपका रहा है। ये कुछ नहीं है, वायुमंडल में तापमान है, मान लीजिए एवरेज है, जो पहले 25 डिग्री होगा, 26 डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा, जो उस समय नॉर्मल जो टेम्परेचर उस सीजन में है वही है। लेकिन ये धूप आपको ज्यादा काट रही है, ज्यादा चुभ रही है सीधी धूप। ये धूप का ज्यादा होने का कारण है कि ओजोन परत आपके क्षेत्र में कम हो रही है और उसके कारण वहां सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें ज्यादा मात्रा में आप पर आ रही है और वो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं। तो आप पर जब सूरज की धूप पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है सूरज का सीधा, तो वो आपको जला रहा है। उसी तरह से जो ये आपको अब जो प्रभाव नजर आ रहे हैं इस तरह, उसी का ही एक दूसरा रूप है कि जब बड़ी मात्रा में ये हाई एनर्जी रेडिएशन पृथ्वी के वायुमंडल में आएंगी, ओजोन परत उनको रोकने के लिए नहीं होगी, तो पृथ्वी की सतह पर आकर के टकराएंगी। और जब ऊर्जा विकिरण है पृथ्वी के सतह पर आके टकराएंगी, पानी पर टकराएंगी, अवशोषित होंगी, कुछ पृथ्वी के सतह से परावर्तित होंगी, वापस वायुमंडल में जाएंगी, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वायुमंडल को पार करके बाहर नहीं जाएंगी, फिर वायुमंडल में अंदर परावर्तित होके फिर पृथ्वी पर आएंगी और इस तरह से अपनी ऊर्जा खोते खोते वो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में ही वो एनर्जी रेडिएशन जो है वो परावर्तित होती रहेंगी और निचले वायुमंडल में ही उनके कारण जो है वो ऊर्जा जो है डिसिपेट होगी, फैलेगी और तापमान वृद्धि का कारण बनेगी। एक तो ये चीज, तो ग्लोबल वार्मिंग पर वो वार्मिंग में ओजोन डिप्लीशन से किस तरह सहायता मिलती है, जैसे और चीजें ग्लोबल वार्मिंग के लिए सहायक हैं, उसी तरह ओजोन परत का पतले होने से भी ग्लोबल वार्मिंग में किस तरह से इजाफा होता है, बढ़त होती है, ये आप समझ लें। अब दूसरी चीज कि जब ओजोन परत आपकी बॉडी पर पड़ेगी तो वो आपकी बॉडी पर ना सिर्फ आपकी त्वचा पर जो तापमान का प्रभाव, हीट जो आपकी त्वचा को वो जला रही है, क्योंकि एनर्जी रेडिएशन है आपकी सरफेस पर, आपकी त्वचा पर टकराएगी एनर्जी रेडिएशन, अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करेगी, आपकी त्वचा जलेगी। तो सिर्फ ये ना आपकी त्वचा को ही नहीं जला रही है, बल्कि त्वचा के अंदर आपकी जो कोशिकाएं हैं त्वचा के अंदर, फिर उनमें हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं और अभी विश्व स्तर पर बड़ी संख्या में त्वचा के कैंसर बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट। और एक रोचक चीज जो आपको जान के आश्चर्य होगा और आप भी सोचेंगे ये क्या रिलेशन हुआ, लेकिन वो तथ्य है, साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि आज की तारीख में विश्व स्तर पर आंखों में मोतियाबिंद के जितने, आई ब्लाइंडनेस के जितने केस हो रहे हैं, मोतियाबिंद के केस हैं, उनमें लगभग आधे केस, मोतियाबिंद के केस विश्व स्तर पर
ओजोन डिप्लीशन और पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण भारी मात्रा में आने के कारण हो रहे हैं। यानी मोतियाबिंद के केस वैश्विक स्तर पर 50% केसों का कारण आज ओजोन डिप्लीशन है। पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरणों का ज्यादा मात्रा में आना है जो आपकी आंखों में मोतियाबिंद का कारण बन रहा है। अब आप समझ लें कि हमारी त्वचा पर, हमारे नेत्रों पर और उसके साथ साथ में जब भी हमारे शरीर पर ये हाई एनर्जी रेडिएशन पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये खाली त्वचा को गर्म कर दिया, हमें गर्मी लग गई, मैंने बताया कैंसर का कारण बनेंगे। और जब ये लंबे समय तक हम ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे, पराबैंगनी विकिरण हमारी गतिविधियों के कारण, हमारे ही गलत कामों के कारण हम पर ही ज्यादा ज्यादा पड़ेंगी, तो उससे हम में अनुवंशिक विकार भी उत्पन्न होने लग रहे हैं। यानी डीएनए के अंदर चेंज आ रहे हैं, माताओं से जो नए, जो प्रभावित माताएं हैं उनकी संतानें पैदा हो रही हैं, तो उनमें आनुवंशिक विकार आ रहे हैं क्योंकि वो आपके डीएनए तक को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा एक बड़ी मात्रा में, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में, आप जानते हैं वैश्विक स्तर पर जैसे जीव जंतु हैं, उसी तरह प्लांट्स भी जीव जंतु जगत का भाग है। प्लांट्स में जब उनका फोटोसिंथेसिस पराबैंगनी विकिरण है भारी मात्रा में आएंगी, तो उनके भी प्रकाश संश्लेषण को बड़ी भारी मात्रा में प्रभावित करेंगी। और पादपों का प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, तो पहली चीज वो प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं, वो भी बाधित होगा। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर जो कार्बन चक्र है और जो वनस्पति का फोटोसिंथेसिस के द्वारा इस वायुमंडलीय कार्बन को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना करके अपने अंदर इकट्ठा करने का जो फंक्शन है, विश्व स्तर पर हजारों करोड़ों लाखों टन में जो कार्बन प्रकाश संश्लेषित होकर के भोजन के रूप में, लकड़ी के रूप में, पादप वृद्धि में जो स्टोर होता है, वो भी रुक रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उतना कार्बन वातावरण में मुक्त रहेगा जिसे वेजिटेशन संश्लेषित करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण में काम में लेने के लिए और संचित करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तो वो कार्बन वायुमंडल में मुक्त रहेगा और उतना ही ज्यादा वायुमंडल में वो तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अन्य अवस्थाओं में वो कार्बन सक्रिय रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ओजोन डिप्लीशन, ओजोन परत के क्षरण से हाई एनर्जी पराबैंगनी रेडिएशन पृथ्वी पर आने से न सिर्फ जो आपके वर्तमान में आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं या आपके अंग हैं, त्वचा है, आंखें हैं या अन्य अंग हैं, उसके साथ में आपके आनुवंशिक विकारों का भी कारण ये ओजोन डिप्लीशन बन रहा है। इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यदि आज भी जो आप, आपका शरीर जल रहा है उस धूप में, वायुमंडल में तापमान ज्यादा नहीं है लेकिन धूप आपको ज्यादा लग रही है और आपके त्वचा को जला रही है, इस तथ्य को समझें कि इसका कारण क्या है। वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है। यहां मैं आपको एक और हमारे साथियों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो मैं वस्तु स्थिति से आपको बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में विज्ञान शिक्षक हैं, और जब हम लोगों ने बात करी कि ये धूप आंचल ये बहुत ज्यादा काट रही है, तो ये विचार हुआ हमारा, डिस्कशन हुआ कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बढ़ रही हैं, इनको हम कैसे नाप के देखें कि कितनी आ रही है। तो अभी कोई मोबाइल ऐप भी नहीं है जो यूवी रेडिएशन की वास्तविक तीव्रता को बता दें, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है लोगों को पता नहीं है, मौसम विभाग यूवी रेडिएशन की तीव्रता को नहीं बताता है और हम पर प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने, डॉक्टर यासीन ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट मंगाया और उसकी सहायता से वायुमंडल में विभिन्न स्थानों पर जा जा करके, राजस्थान के कई जिलों में, देश के कई राज्यों में वो गए, 7-8 राज्यों में, महाराष्ट्र में गए, दिल्ली में गए, गुजरात में गए, मध्य प्रदेश में गए, जहां पर भी वो गए अपने साथ इंस्ट्रूमेंट को रखा। दमन दीव में हमने अध्यापक और बच्चों की ट्रेनिंग करी, तो उसमें भी वो, उनको हमने बुलाया, वहां प्रैक्टिकल अध्यापक बच्चों ने दमन दीव में करके देखे उस इंस्ट्रूमेंट से। और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन
उस समय पर आ रही है, अलग अलग टाइम पर, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, जब सूर्य का प्रकाश जितने समय में मौजूद है उस समय में यूवी रेडिएशन हमने नापी, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो पीक आवर्स में यानी दिन के समय पर भी हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो स्वीकृत है यूवी रेडिएशंस की तीव्रता, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, वो 2-3 तक हो सकती है, मान लीजिए यूवी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य लगेगा और श्रोताओं को, रेडियो मधुबन के श्रोताओं को ये डरना भी चाहिए, डर लगना चाहिए सुनकर के, कि अभी तक के हमारे शोध कार्यों में डॉक्टर यासीन और उनके साथ उनके स्टूडेंट्स, उनके कुलीग्स, हम लोगों की टीम के द्वारा जो अभी आ रहे हैं शोध में, उसमें यूवी रेडिएशंस की तीव्रता दिन के समय 3-4 बजे तक 12 से 13 तक मेजर हो रही है। अब आप सोच सकते हैं 2-3 की बजाय 12 से 13 तक यूवी रेडिएशंस की तीव्रता मेजर हो रही है तो कितनी मात्रा में यूवी रेडिएशंस हम पर आ रही है। अब इस चीज को हमें समझना चाहिए कि कितना गुना ज्यादा यूवी रेडिएशंस पृथ्वी पर पहुंच रही है। हमने ये भी करके देखा कि जहां पर ग्रीन कवर है, जहां पर डेंस वेजिटेशन है, घने बाग बगीचा है, वहां पर यूवी रेडिएशन नापी, वो जहां खुली सड़क पर, खुले मैदान में, जहां कोई ग्रासलैंड भी नहीं था, घास का मैदान पे नहीं था, वहां 12-13 आ रही है। और पास में यदि कोई बाग बगीचा है तो वहां पर यूवी रेडिएशन आ रही है 7-8, 5-6, और यदि कोई घास का मैदान भी है तो वहां 7-8 तक वो मेजर हो रही है। यानी जितना ग्रीन कवर है उस क्षेत्र में यूवी रेडिएशन कम मेजर हो रही है, यानी ग्रीन कवर रहेगा तो वो यूवी रेडिएशंस की तीव्रता को कम करने में मदद करेगा, और जहां ग्रीन कवर कम होता जाएगा ऐसे इलाकों में, यानी बड़े बड़े हाईवे रोड, बड़े बड़े बंजर मैदान, हम जितना नष्ट करेंगे, जंगलों को कम करेंगे, ग्रासलैंड को कम करेंगे, बाग बगीचों को कम करेंगे, कंक्रीट के जंगल बनाएंगे, तो उतना ही ज्यादा यूवी रेडिएशंस की तीव्रता शहरी क्षेत्रों में इसलिए बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में आई है, खुले क्षेत्रों में आई है, डिग्रेडेड एरियाज में यूवी रेडिएशंस की तीव्रता बहुत ज्यादा आ रही है। ये हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं और इसे हमारी क्षमता अनुसार ये जो टीम है ये जगह जगह पर इन परिणामों को लोगों को दिखाने का काम भी कर रही है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ओजोन डिप्लीशन आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, आम जन को मालूम नहीं है, यूवी रेडिएशन बड़ी तेजी से आम जन पर कई गुना मात्रा में पड़ रही है, पराबैंगनी विकिरण है। ये आम जन को समझना होगा कि ये अनायास तापमान वृद्धि, खाल का जलना, स्किन पर सूर्य के प्रकाश के द्वारा कैटरेक्ट के मामले बढ़ना, त्वचा के कैंसरों के मामले बढ़ना, वेजिटेशन कम होने से वहां पर यूवी रेडिएशन और ज्यादा बढ़ेंगी तो आपका मतलब विनाश पक्का है, ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए कि ओजोन क्षरण से जैव मंडल पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और आगे क्या पड़ सकते हैं अगर हमने इसको नहीं रोका।